मच। कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। यस पार्टिसिपेंट्स, यू मे राइज क्वेश्चंस टू आवर रेस्पेक्टेड अमु सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड का ही केस है सर। फ्रेंड का केस? एक मेरा, हाँ सर, बेस्टमेट का केस है सर। हाँ एक्चुअली वो शायद अभी ऑनलाइन नहीं होता होगा इसमें, इसलिए हम थोड़ा पूछेगा बोलोगे सर। हाँ ये सर उसका पीएसटी सेपा का है, सुनिता हाँ मैडम का केस है। हाँ क्या केस है? सेपा में उसका अभी सर ऐसा हो गया, 161 स्टेटमेंट और एफआईआर में उसका रेप हुआ है बोल के स्टेटमेंट दिया है सर। लेकिन कोर्ट में जाके वो फिर डिनाई कर दिया कि मेरा साथ कोई ऑफेंस नहीं हुआ है ऐसा बोल के। हाँ तो उसका 164 स्टेटमेंट उसका ऐसे ही रिसीव किया। फिर अभी 2-3 दिन के बाद फिर आके पुलिस थाना में बोलता है कि मेरा नहीं, मेरा फिर से रेप हुआ है, फोर्सफुल रेप हुआ है। तो वो केस में सर क्या होगा? वो केस में मतलब दोबारा रेप हुआ है? हाँ, दोबारा सेम पर्सन रेप हुआ है, फिर से मेरा रेप हुआ है बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट 164 स्टेटमेंट जब पुलिस प्रोड्यूस करता है तो उसमें डिनाई करता है कि मेरा साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 161 स्टेटमेंट में और एफआईआर में जो लिखा है वो झूठ है बोलते हैं। हाँ. तो शायद उसको थर्ड पर्सन कोई प्रेशर कर रहे सर। हाँ, उसको तो ये केस में एफआईआर क्या हो सकता है सर? फर्स्ट एफआईआर किसने साइन किया, किसने दिया? उसी ने? हाँ सर। उसका मम्मी पापा तो नहीं दिया? विक्टिम माइनर है सर। तो एफआईआर मेकर कौन है, विक्टिम ना उसका मम्मी पापा? हाँ सर, वो उधर विक्टिम पार्टी ही है। नहीं नहीं, पार्टी है उसी। हाँ सर, एक्चुअली हम एफआईआर को तो नहीं देखा है, लेकिन हम जितना फ्रेंड से डिस्कस किया था तो शायद कंपेयर नहीं होता होगा, कोई अलग एफआईआर बना दिया है वो साइन। देखो इसमें एक टू एक ही, कभी कभी मम्मी पापा लोग नहीं पटा होके एफआईआर दे सकता है, बच्चा अगर रोती है या कुछ है। और माइनर का तो आपका साथ में माइनर अगर है, जैसे हम लोग ने बिलो 18 को इज माइनर नाउ, तो अगर इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन किया, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव है, तो ऑब्वियसली अदर देन दीज स्टेटमेंट जो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंट होगा उसका, ये जो जो भी आप लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, स्वेब्स कलेक्ट करते हैं, तो देट विल बी मोर हायर एविडेंस of higher values than statements. So statement, if girl's statement inconsistent है, the court उसको rely नहीं करते ज़्यादा, लेकिन court will also take cognizance of cognizance if there are any pressure or not. क्योंकि minor है, उसका सोच समझ नहीं रहती है, कभी कभी मम्मी ये बोलो बोलने से बोल देते, पापा ये बोलने से बोल देते, या कोई third person, या इवन बॉय का, लड़का का तरफ से भी कोई आ सकता है कि हम तो आपको शादी करेगा, अभी बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है। तो केस शुड प्रोसीड एंड लेट द कोर्ट डिसाइड, एंड एविडेंस कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। सर इसमें एक्चुअली ऐसा है कि रिसेंट रेप नहीं है सर ये, तो रिसेंट रेप नहीं है, तो इसका मतलब जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन है उसका भी पॉसिबिलिटी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत कम है, और मेडिकल भी डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसमें रेप हुआ है टाइप का, तो ऐसा इतना सपोर्टिव नहीं हो रहा है। तो सर उसमें मतलब आयोग अभी वही मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब ये केस में क्या किया जाए सर। नहीं इसमें आपका जैसे कि लड़की का, जैसे कि रेप का साइन ऑफ रेप यानी कि पॉसिबल रेप भी बहुत तरह का है, पॉसिबल रेप, नॉन पॉसिबल रेप, लेगल रेप। जैसे पॉसिबल रेप में तो ऑब्वियसली निशान उशान होना चाहिए और नहीं रह जाएगा बिकॉज इतना दिन हो गया, लेकिन जो लीगल रेप में आती है बिलो 18 इयर्स यानी कि माइनर एज का रेप जो है कंसेंट के साथ होने से भी, तो उसका तो मेडिकल तो कम से कम इतना तो बोल सकता है कि वेदर सी इज यूज टू सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये अगर यूज टू सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो ऑब्वियसली किसी ने किया है, तो ऑब्वियसली बिलो 18 है तो वो उसमें आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर दोबारा रेप किया बोलने से उसको फिर अगेन सी शुड बी सेंड टू द कोर्ट, कोर्ट में फिर दोबारा भेजना चाहिए कि देखिए सर पहले तो 164 में उन्होंने डिनाई किया था, मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, लेकिन अभी फिर बोल रही है, फटाफट उसको भेजो कोर्ट में। सर
सर अगर मान लीजिए वो फिर 164 में डिनाई करता है रिपीटेडली, अगर हम लोग भेजा है, क्योंकि इसमें प्रेशराइज भी है थर्ड पर्सन से ऐसा लग रहा है, मतलब सर केस जो, तो उसने सर 161 स्टेटमेंट और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसी में चार्जशीट कर सकता है ना हाँ सर? कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट तो हायर वैल्यूज होगा क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पर पिल कोर्ट क्वेश्चन करेगा ना उस लड़की को, आपका स्टेटमेंट ऐसा है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट इज लाइक दिस, तो लड़की को लड़की का FIR को सही मानेगा, बाद में जो इनका इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है उसको नहीं मानेगा। तो ऑन दैट बेसिस ऐसे भी पॉस्को में आज का मेरा टॉपिक तो नहीं है, 29 सेक्शन को देखो पॉस्को में, उसमें अगर FIR में दिया है लड़की ने कि हमको रेप हुआ है तो इट विल बी ट्रीटेड एज रेप विदाउट कंसेंट सेक्शन 11, तो कोर्ट सर विल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेरा थाना का एक केस है सर, अटेम्प्टेड रेप हाँ है, एक्यूज अननोन है सर, तो हाँ विक्टिम और फैमिली मेंबर सर इंटरेस्टेड नहीं है, तो हाँ वुमेन कमीशन का तरफ से जो सीरियस यूनिट है वहां से FIR है सर। तो हाँ अभी सर विक्टिम को 16 ईयर्स है, 164 के लिए उसको भेजेगा बोला सर, वो डिनाई कर रहे सर, 164 नहीं हुआ सर, इसमें सर फर्दर क्या करना पड़ेगा सर? और विक्टिम भी नहीं मान रहा, इसका रिलेटिव भी नहीं मान रहा, सेपा कोर्ट नहीं जाएगा बोला सर, नहीं, इन 164 लोग को। अगर देखिए एक तो है कि उनका आपके पास ऑलरेडी जब केस आ गया ऑफेंस आ गया तो आपको तो जी तोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे यहाँ होगा, लेकिन जब आपके पास ये नोटिस में आ गया तो वो तो पॉक्सको में तो आ ही जाएगा, तो इसलिए आप इसको केस को प्रोसीड करना है। अगर वो 164 में डिनाई करता है यू शुड राइट टू द कोर्ट कि ये डिनाई कर रही है, लेट द कोर्ट समन या इशू वारंट एनीथिंग, लेकिन उसको तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों दोनों मिलना है नहीं मिलना है लेट देम लेट द कोर्ट डिसाइड। ऐसे भी अभी एक केस में भी सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टी ने जब डिनाई किया, मतलब दोनों पार्टी ने म्यूचुअली एग्रीड हो गया तो इसमें सजा भी कम कर दिया 5 ईयर्स, पहले 10 ईयर्स कर वो हम पढ़ा था। दो नॉन कंपाउंडेबल है और नॉन बार्गेनेबल है, एक तो आपका प्ली बार्गेनिंग बोल के नया आपका डाला है सीआरपीसी में, जहां पे बिलो 7 ईयर्स होने से सजा अगर 7 ईयर्स है कोई भी ऑफेंस में दैट कैन बी बार्गेन्ड, यानी कि दोनों बार्गेन कर सकता है तो उसमें सजा नहीं। तो इसलिए ये तो पॉस्को आपका लड़की 16 ईयर्स का है तो पॉक्सो में आएगा, तो इसलिए इट इज सीरियस मैटर, उसको आप कोर्ट को लिखिए। ओके सर, थैंक यू सर ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। ऑडियंस द पार्टिसिपेंट्स मस्ट हैव रियली बेनिफिटेड फ्रॉम योर एनर्जेटिक एंड रिसोर्सफुल सेशन। थैंक यू सो मच।